हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी, नेट जी आर एफ इन कॉमर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन, अजम्पशन लगाना। कोई पहले ही जब हम कोई अनुमान लगा लेते हैं, अजम्पशन लगा लेते हैं, तो उसका मतलब है हाइपोथेसिस। कोई भी रिसर्चर है तो एज ए रिसर्चर उसे एग्जैक्ट ट्रूथ तो मतलब नहीं पता होता कि ये आउटकम उसका आने वाला है, ये रिजल्ट निकलने वाला है, पर फिर भी उसके बारे में पहले से वो एक मतलब अजम्पशन लगा सकता है कि ये जो आउटकम्स है उसका निकल कर आ सकता है। तो इस अजम्पशन को ही हाइपोथीसिस जो है बोलते हैं। तो हाइपोथीसिस इसकी फीचर क्या होती है, पहले इसके कुछ फीचर्स कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ हाइपोथीसिस, ये क्या है, इट इज़ अ प्रिडिक्शन। ये एक प्रिडिक्शन है, मतलब अनुमान लगाना, पहले ही कोई अनुमान लगा लेते हैं। तो फर्स्ट इसकी है कि ये क्या है, प्रिडिक्शन है, इट इज़ अ प्रिडिक्शन। सेकंड, इट इज अ ये एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन है। टेंटेटिव प्रोपोजिशन का मतलब है कि ये फिक्स नहीं होती कि ये जो है जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है ये ही होगा, तो ये फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव प्रोपोजिशन होती है। और थर्ड है कि इट शुड बी सिंपल, ये सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, एक तो ये बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। और द वैलिडिटी है जो हाइपोथेसिस की वो अननोन होती है। वैलिडिटी जो होती है हाइपोथेसिस की, द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज क्या होती है, वो अननोन होती है। हमें मतलब हमें पता नहीं होता कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो राइट ही होगी या रोंग होगी। तो ये हम इसके बारे में हम अननोन होते हैं, ये राइट भी हो सकती है और ये रोंग भी हो सकती है। और ये क्या करता है, ये बताता है लॉजिकल रिलेशनशिप, द लॉजिकल रिलेशनशिप, ये लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में ये लॉजिकल रिलेशनशिप है वो हमें बताता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स है। और अब हम हाइपोथेसिस के टाइप करते हैं। हाइपोथेसिस थ्री टाइप्स की होती है। एक यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, सेकंड होती है रिलेशनशिप हाइपोथेसिस, एंड थर्ड एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कौन सी होती है, ये फॉर्मुलेट की जाती है सिर्फ करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ कि हम जैसे इंडिया के जो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रेजेंट रेट है वो है 10%। तो इसमें क्या किया, जो करैक्टरिस्टिक है उसको सिर्फ बताया, उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। और रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप की बात की गई है, तो जब दो ये फॉर्मुलेट की जाती है दो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए ये जो रिलेशनशिप हाइपोथेसिस है ये बनाई जाती है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो अर्बन एरिया के जो पेरेंट्स होते हैं, अर्बन एरिया के पेरेंट्स वो ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पर, अगर इनको हम कंपेयर करें रूरल एरिया के पेरेंट्स से। तो इसमें क्या किया गया है, अर्बन एरिया के पेरेंट्स और रूरल एरिया के पेरेंट्स के बीच में क्या गया है, रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया है। तो वो होती है रिलेशनशिप हाइपोथेसिस। और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कौन सी होती है, ये कोज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के दो वेरिएबल के बीच में जब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए ये जो है फॉर्मुलेट की जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जब सैलरी बढ़ती है
सैलरी बढ़ती है तो क्या होता है, फूड आइटम्स पर खर्चे भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोज एंड इफेक्ट है, ये कोज है और इसका इफेक्ट हो रहा है फूड आइटम्स पर, ये बढ़ रही है तो इसके ऊपर खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जब कोज एंड इफेक्ट की बात की जाए तब हम एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, और जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की बात की जाए तब रिलेशनशिप हाइपोथेसिस बनाई जाती है, और जब कुछ चीज़ सिंपल बस डिस्क्राइब की जाए तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है वो बनाई जाती है। तो ये होते हैं 3 टाइप्स की हाइपोथेसिस। और अब हम अगर स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम अगर हमें करना है तो हमारे पास 2 हाइपोथेसिस होती है, एक तो नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम फाइंड आउट, इसे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले हम नल हाइपोथेसिस, और सेकंड अपने पास होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है इसको डिनोट किया जाता है H0 से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको डिनोट किया जाता है H1 से। और जो ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में, ये दिया था R.A. Fisher ने, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम इसको नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव क्या होती है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मानो हमें, तो जैसे हमने पीछे किया था अर्बन एरिया के जो पेरेंट्स हैं और जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये अपने जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर ज़्यादा मनी एक्सपेंड करते हैं और रूरल वाले हैं वो इतना नहीं करते। तो इसको हमने मान लिया ए वेरिएबल, इसको हमने मान लिया बी वेरिएबल। अब नल हाइपोथेसिस है ये क्या कहेगी, ये कहेगी कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नल मतलब नो, नहीं है, ए इज इक्वल टू बी, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। जितना अर्बन एरिया के जो पेरेंट्स मनी स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पर उतना ही रूरल के भी करते हैं, तो ये अपनी नल हाइपोथेसिस बन गई, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्या कहती है, ये इसका उल्टा होता है, ये कहती है कि ए और बी ये है इक्वल नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए स्मॉलर देन बी होगा। तो इसमें ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी और उसमें ये 3 स्टेटमेंट बन जाएगी। बस नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इतना ही होता है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि दो वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा होता है कि ये जैसे ये नल हाइपोथेसिस है, अगर ये राइट है तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी H1 ये क्या होगी, ये रॉन्ग होगी, और अगर ये राइट है तो ये रोंग होगी, और अगर ये रोंग है तो ये राइट होगी। मतलब इन दोनों में इस तरह से रिलेशनशिप होता है कि एक राइट होगी तो दूसरी रोंग होगी, दूसरी रोंग होगी तो एक राइट होगी, तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। तो अब हम बात करते हैं एरर की। तो इसमें 2 टाइप्स की एरर होती है, एक होती है टाइप 1 एरर और दूसरी होती है टाइप 2 एरर। ओके, तो टाइप 1 एरर क्या कहती होती है, टाइप 1 एरर जब जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस ये क्या थी, ये ट्रू थी और इसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जब नल हाइपोथेसिस जो ट्रू होती है, राइट होती है, उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो होती है अपनी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, ये इसका उल्टा हो जाता है, ये जो नल हाइपोथेसिस है ये क्या थी, ये रोंग थी, ये गलत थी, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये होती है टाइप 2 एरर। ओके, तो टाइप 1 एरर व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इसको हम लिखेंगे व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस थ्रू, इट इज क्या थी, ये ट्रू थी, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, अल्फा से,
इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है टाइप वन एरर को, और टाइप टू एरर व्हेन वी एक्सेप्ट, हमने एक्सेप्ट कर लिया, व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस थ्रू, जबकि ये क्या थी, इट इज फॉल्स, ये गलत थी और फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होती है टाइप टू एरर। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, ओके, ये अल्फा से, टाइप वन एरर अल्फा, टाइप टू एरर बीटा, ओके। और अब इसको हम जैसे कैसे वो लिखेंगे, मतलब अब ये एरर, अब इस एरर को हमें ठीक भी करना है, तो एरर को ठीक करना है तो टाइप वन एरर क्या थी अपनी, टाइप वन एरर थी ये क्या थी, अल्फा से हम इसको लिखते हैं, तो इसमें मतलब कि हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये ट्रू थी, तो इसका हम करेक्ट डिसीजन लेंगे, मतलब इस एरर को हम ठीक करेंगे, तो इसका करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हम इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, वन माइनस अल्फा, ओके। और टाइप टू एरर में क्या होगा, टाइप टू एरर क्या थी अपनी, टाइप टू एरर को हम लिख रहे थे बीटा, और इसमें हमने क्या किया, जो रॉन्ग थी और उसको हमने रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें भी हम करेक्ट डिसीजन लेंगे, तो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए इसमें हम ये इक्वेशन जो है बनाएंगे, वन माइनस बीटा, ओके फ्रेंड्स। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम एक चार्ट बनाते हैं और इसे समझते हैं, यहाँ पे एच जीरो नल हाइपोथीसिस क्या है, ट्रू, और यहाँ पे एच जीरो नल हाइपोथीसिस क्या है, फॉल्स, ओके। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। नल हाइपोथीसिस है वो, इसको अच्छे से समझना, नल हाइपोथीसिस ट्रू है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये तो हमने करेक्ट डिसीजन लिया है, नल हाइपोथीसिस ट्रू थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने, यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन करेक्ट डिसीजन के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया उसको ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा वन माइनस अल्फा। अब नल हाइपोथीसिस फॉल्स है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये कौन सी एरर थी, फॉल्स को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये टाइप टू एरर थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा, ओके। और अब नल हाइपोथीसिस ट्रू थी और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये कौन सी एरर थी, ये एरर वन थी ना, एरर वन एरर जिसमें हम इसको ट्रू को रिजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली अल्फा। और यहाँ पे नल हाइपोथीसिस फॉल्स है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो फॉल्स को पहले हम एक्सेप्ट स्टेप टू एरर में करते हैं, फिर करेक्ट डिसीजन के लिए उसको वापस रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसमें हमने ये फॉर्मूला बनाया था, वन माइनस बीटा, ओके फ्रेंड्स। तो इससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, इतना ही ये जो अपना रिसर्च पेपर वन पेपर का जो रिसर्च टॉपिक है उसके लिए इतना ही रेलिवेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। और कल से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज रिसर्च के और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।